मंगलवार को इंदौर नगर निगम अपर आयुक्त को ज्ञापन देने पहुंची। नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष फौजिया शेख अलीम ने कहा कि हम ज्ञापन देने नहीं, जन समस्याओं को लेकर निगम आयुक्त और महापौर को अवगत कराने आए हैं। आजाद नगर के निवासियों की गंदे पानी की समस्या को महापौर व अन्य निगम अफसरों तक पहुंचाने आई थी। उनका कहना है कि महापौर जी सो रही हैं और जनता रो रही है। रमजान माह में शहर को ठीक से पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे जनता का बुरा हाल है। महापौर जी के कार्यालय में महापौर हीरो और अधिकारी जीरो हो गए हैं। ज्ञापन नहीं दिया है हमने, जनता का दर्द बताया है, जनता की परेशानी बताई है जो इस भीषण गर्मी में हो रही है, और जो महापौर जी जनता की सुध नहीं ले रही है, और साथ में कमिश्नर भी नहीं नगर निगम बैठ रहे हैं। हम आज जन सुनवाई में आए थे मंगलवार को, जो नगर निगम के अधिकारियों को जन सुनवाई में यहाँ पर मौजूद होना था और नगर निगम के कमिश्नर को मौजूद होना था, पर यहाँ पर ये हाल है कि महापौर जी सो रही है और जनता रो रही है गर्मी के मौसम में। ना जनता के पास पानी है, ना जनता के पास पीने को पानी है, ना वापरने को पानी है, और रमज़ान माह चल रहा है, सारे वार्डों को और पूरे इंदौर शहर का बुरा हाल चल रहा है। हम यही सारी चीज़ें दिखाने लाए थे, और हमारे वार्ड में जो गंदा पानी आज़ाद नगर में बस्तियों में आ रहा है वो भी हम साथ में लेकर आए और हमने दिखाया, जिसमें पार्षद भी हैं और पार्षदों के अलावा कुछ पब्लिक के लोग भी हैं। उन्होंने कुछ ज्ञापन दिए हैं, अलग अलग विभाग वार ज्ञापन दिए हैं। मूल रूप से अभी गर्मी है चूँकि और पानी की समस्या है, तो मुख्य मांग उनकी जो है पानी के संबंध में है। एक तो आज़ाद नगर में गंदे पानी की शिकायत है, वहाँ अभी टीम भेजी गई है,